नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर को नगरी निकाय के मतदान होने हैं, जिसे देखते हुए एरोड्रम थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जिसमें एक्टर मोबाइल द्वारा सभी बूथों पर नजर रखी जा रही है। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च भी होगा। गौरतलब है कि बुधवार को नगरी निकाय चुनाव के मतदान होने हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं पुलिस द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों पर 12 सेक्टर मोबाइल उपलब्ध कराई गई, जिसके द्वारा बूथों पर नजर रखी जा रही है। QR टीम विशेष निगाहें बनाई हुई है। इन सभी के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। क्षेत्र में 147 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 500 से अधिक पुलिस कर्मी क्षेत्र में सुरक्षा में तैनात हैं। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के दौरान में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर थाना क्षेत्र के लिए 12 सेक्टर मोबाइल दी गई हैं, और थाना मोबाइल के अलावा 2 QRT पार्टी क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, जिसमें 5-5 लोग, एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5 लोग, ऐसी 2 पार्टियां बनाई गई हैं। और इसके इन सबके सहयोग से संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज शाम को फ्लैग मार्च भी क्षेत्र में निकाला जाएगा। जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों में मतदान को लेकर किसी प्रकार का संशय न रहे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। एरोडम क्षेत्र में 147 मतदान केंद्र हैं और लगभग 500 कबल यहां पर डिप्लॉय किया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।